हेलो दोस्तों, माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जब भी आप किसी ब्रोकर के थ्रू स्टॉक को बाय या सेल करते हैं तो ब्रोकर नेक्स्ट डे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजता है जिसमें आपकी ट्रेड डिटेल्स होती हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट नोट को कैसे पढ़ा जाता है, किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट नोट को पढ़ते वक्त। दोस्तों, जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट नोट एक स्टेटमेंट होता है जो कि ट्रेडिंग मेंबर यानी ब्रोकर द्वारा अपने क्लाइंट्स को सेंड किया जाता है, जिसमें क्लाइंट द्वारा किए गए सभी ट्रेड्स, जो भी ब्रोकरेज चार्जेस, एक्सचेंज चार्जेस, इन सब की डिटेल्स होती हैं। दोस्तों, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने एक फॉर्मेट बनाया है कॉन्ट्रैक्ट नोट का, और सभी ब्रोकर्स उसी फॉर्मेट में कॉन्ट्रैक्ट नोट्स अपने क्लाइंट को सेंड करते हैं। तो उसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हुए हम इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट नोट को समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, यही एक फॉर्मेट होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट का, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले हम अपर पार्ट में देखेंगे कि क्या क्या डिटेल्स होती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट नोट, फिर नीचे जो भी ब्रोकर का नाम है उसका लोगो है, फिर सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर ब्रोकर का एड्रेस। दोस्तों, इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्ट्रैक्ट नोट नंबर, फिर ट्रेड डेट यानी कि जिस दिन का वो कॉन्ट्रैक्ट नोट है, फिर नेम ऑफ क्लाइंट, जो भी क्लाइंट है उसका नाम, एड्रेस ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट का एड्रेस, पैन ऑफ द क्लाइंट यानी पैन कार्ड का नंबर क्लाइंट के, यूसीसी कोड यानी कि यूनिक क्लाइंट कोड। दोस्तों, इसी कोड का इस्तेमाल करके आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉग इन करते हैं। दोस्तों, राइट हैंड साइड में देख सकते हैं आपको तीनों एक्सचेंजेस का नाम दिया होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX। दोस्तों, ये फॉर्मेट के लिए तीनों एक्सचेंजेस का नाम दिया है, बट दोस्तों आप अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट में देखेंगे कि जिस भी एक्सचेंज पर आपने ट्रेड किया होता है उसी एक्सचेंज का नाम होता है। नीचे आप सेटलमेंट नंबर एंड सेटलमेंट डेट देख सकते हैं एक्सचेंजेस की, देन डियर सर मैडम जो भी फॉर्मेट होता है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑर्डर नंबर, ऑर्डर टाइम, ट्रेड नंबर, ट्रेड टाइम, जिस टाइम पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है उसे ट्रेड टाइम कहते हैं। फिर दोस्तों, आप सिक्योरिटीज़ और कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, इसमें आपने जो भी शेयर को बाय किया है उसका नाम होता है। फिर दोस्तों, बाय सेल यानी कि जब आपने बाय किया है तो बी एंड सेल किया है तो एस, फिर जितनी भी क्वांटिटीज़ आपने बाय की हैं वो होती हैं, फिर ग्रॉस रेट, क्वांटिटीज़ और बाय प्राइस को मल्टीप्लाई करके जो भी रेट होता है उसे कहते हैं ग्रॉस रेट, फिर ब्रोकरेज पर यूनिट, एक शेयर पर आपको कितनी ब्रोकरेज लगी है वो, फिर नेट रेट पर यूनिट, ब्रोकरेज ऐड करने के बाद कितना रेट हुआ है उसका, फिर नेट टोटल यानी कि आपने 1000 रुपीज़ के शेयर को बाय किया, फिर 1000 रुपीज़ के सेम शेयर को सेल किया तो जो टोटल होगा वो होगा 2000 रुपीज़। दोस्तों, यही नेट टोटल होता है। दोस्तों, इस पार्ट में आपके जो भी चार्जेस होते हैं उनकी रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, जैसे जो भी ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, फिर एक्सचेंज चार्जेस। दोस्तों, जब भी आपने, अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपने कोई स्टॉक को डिलीवरी में लिया है यानी कि आज बाय करके आप 10 दिन बाद, 20 दिन बाद अगर सेल करते हो तो आपको ब्रोकरेज जीरो दिखती है, बट दोस्तों जो अलग चार्जेस होते हैं जैसे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, GST, 18% GST लगता है पर ट्रांजैक्शन पे, फिर सेबी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि सेबी टर्नओवर फी, स्टैम्प ड्यूटी, इन सबको मिला के भी काफ़ी चार्ज होता है। दोस्तों, सभी चार्जेस को डिडक्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के अनुसार। दोस्तों, यही एक सिंपल सा फॉर्मेट है। अब हम जानते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट नोट को पढ़ते वक्त। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट नोट को पढ़ते वक्त हमें ये देखना चाहिए कि जो भी हमने आज डेली में जो भी ट्रेड किए हैं वही ट्रेड हैं, कोई एक्स्ट्रा स्टॉक तो नहीं है इसमें या ज़्यादा क्वांटिटीज़ तो इसमें शो नहीं हो रही। दोस्तों, आपने अगर 100 शेयर्स को सेल किया है सपोज़, बट कॉन्ट्रैक्ट नोट पर आपको 120 शेयर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो 20 शेयर्स हैं वो द्वारा एडिशनली किए गए हैं, तो आपको ब्रोकर के पास कंप्लेंट करनी होगी।
दोस्तों, जब भी आप कोई स्टॉक को बाय करते हैं तो नेक्स्ट डे कॉन्ट्रैक्ट नोट आना चाहिए। अगर ब्रोकर आपको काफ़ी टाइम से कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं भेज रहा तो आप ब्रोकर को कॉल कीजिए, उससे कॉन्ट्रैक्ट नोट की डिमांड कीजिए। अगर वो फिर भी नहीं सुनता तो आपको एक्सचेंजेस के पास कंप्लेन करनी चाहिए ब्रोकर के खिलाफ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है। उसमें आपके सभी ट्रेड्स, जो भी चार्जेस होते हैं, उनकी डिटेल होती हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। दोस्तों, आपका इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके सभी क्वेश्चंस को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपने क्वेश्चन सजेशंस बता सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस को। थैंक यू। जय हिंद।